ट्रीटमेंट दे सके जब तक हम उनको हॉस्पिटल ले जाए। और इस ट्रेनिंग का भी जो है बहुत ज्यादा फायदा है, हर मेंबर को चाहिए कि ये ट्रेनिंग कर ले। वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी चीज है, ये हर एक के लिए जरूरी फायदेमंद चीज है। हम 18 बंदे ट्रेन होके जाएंगे और हमको कहीं पे भी मुसीबत हो या रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं। फ्लड हो या अर्थक्वेक हो या कहीं एक्सीडेंट हो, हम उसके लिए जाएंगे। हमारे पास किट भी होगा, तो यहाँ से डिप्लोमा करें और हमारा एक आई गार्ड होगा, हमारी पहचान होगी कि हम 18 बंदे यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे। सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है ना? आपने पेशेंट के पास जाना, पेशेंट की कंडीशन को देखना, ठीक है? कंडीशन क्या देखनी है, देखिए मैं जा रहा हूँ, मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा CPR का। तो सबसे पहले आपने जाना है पेशेंट के पास। हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, तीन बार आपने टैप करना है कॉलर बोन पे और उसको बोलना है कि आर यू ओके। अगर इंग्लिश में नहीं तो आप उसकी सिविल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, भाई साहब आप ठीक हो, नो रिस्पॉन्स, ठीक है? पेशेंट इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के बाद हमने अलर्ट करना है EMS को। EMS को अलर्ट करने के बाद हमने ABC चेक करना है। ABC में सबसे पहले ए क्या होता है, एयरवे। एयरवे में हमने इसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से हेड को टिल्ट किया, चिन को लिफ्ट किया और मुंह को थोड़ा सा खोल दिया, ये हो गया एयरवे ओपन। ये कौन सा मेथड हो गया, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से हमने इसको एयरवे ओपन कर दिया बगल में बैठ के, ठीक है ना? तो घुटने आपने नीचे झूला, अगर आप नीचे जमीन पे कर रहे हो आपके दोनों घुटने नीचे लगने चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से आप उसको दे सकते हो। उसके बाद बी आता है ब्रीथिंग, ए हो गया ना, अब बी आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग चेक करने का तरीका, मेरा कान इसके नाक पे होना चाहिए, ये चीज मेरी इसके मुंह पे और नजर मेरी चेस्ट पे होनी चाहिए। और ब्रीथिंग चेक चेक करने जा रहा हूं मैं इसकी, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ब्रीथिंग एब्सेंट, ठीक है ना? लुक लिसन फील मेथड से, लुक हो गया छाती को देखना, लिसन हो गया नाक से सुनना, फील हो गया इसके मुंह से फील करना, ठीक है ना? तो ये मेथड से मैंने इसकी ब्रीथिंग चेक कर ली, ब्रीथिंग इसकी एब्सेंट। अब मैं इसकी सर्कुलेशन चेक करने जा रहा हूँ। सर्कुलेशन चेक करने का तरीका, दो उंगली ऐसे करनी है, कैरोटिड पल्स, सॉरी ट्रैकिया की हड्डी के बगल में हमने कैरोटिड पल्स चेक करनी है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, कैरोटिड पल्स एब्सेंट। अब तीनों चीजें एब्सेंट है, इस कंडीशन में हम पेशेंट को CPR दे सकते हैं। अब क्या करना है, लोकेट द पोजीशन। पहले सबसे पहले एक्सपोज द चेस्ट, चेस्ट को एक्सपोज कर लिया आपने, पेशेंट की चेस्ट को एक्सपोज कर लिया। मेल है तो एक्सपोज करना है, फीमेल है तो उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए आपने एक्सपोज नहीं करना, कपड़े के ऊपर से ही कर देना। लॉकेट वगैरह जो उसने पहने हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं, ठीक है ना? तो अब मैं पोजीशन बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं दो सांसें देनी है, ठीक है ना? पोजीशन बनाने से पहले मैंने दो वेंटिलेशन देने हैं। वेंटिलेशन देने का तरीका, आपने क्या करना है, ये मेरे पास फेस शील्ड है, ठीक है ना? ये फेस शील्ड है, इसमें वो फिल्टर जैसा लगा हुआ है, इसमें मैंने क्या करना है, इसके मुंह पे रखना है, इसको एयरवे ओपन किया है, नाक को पिंच करना है। पिंच करने के बाद इसमें मैंने दो वेंटिलेशन देनी है, टू आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है। तो ये देने का तरीका देखिए, एक नाक को पिंच करना जब आपने सांस देनी है, दो मैंने दो सांसें दे दी, ठीक है ना? चोरी नजर से देखना कि वो इफेक्ट कर रही कि नहीं कर रही, उसके लंग्स में जा रही कि नहीं, जब तक जाएगी नहीं तब तक वो उसका असर नहीं होगा, ठीक है ना? तो दो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे दी मैंने। उसके बाद जगह लोकेट करनी है मैंने कंप्रेशन के लिए। ये उंगली, दो तरीके हैं जगह लोकेट करने का। सबसे पहले ये जो आपका जायफेट प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपका रिब्स क्लोज खत्म होता है, तो नीचे जायफेट प्रोसेस, यहाँ पे एक उंगली रखनी है, दो उंगलियां ऐसे आगे रखनी है, उसके बाद ये तीसरी उंगली रखनी है जहां पे आपने पोजीशन बनानी है, ये पोजीशन बनानी है, ठीक है ना? ये पोजीशन बना दी, ये पोजीशन बनानी है, ठीक है ना? ये एक तरीका जगह लोकेट करने का। दूसरा तरीका कौन सा, ये जो हमारी स्टर्नम की हड्डी होती है लंबी हड्डी, इसको ऐसे लकीर खींचनी है आपने। उसके बाद जो निप्पल्स हैं, निप्पल टू निप्पल एक लकीर खींचनी है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमारी पोजीशन बन जाएगी, ठीक है ना? तो मैं इस पोजीशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ठीक है जी, ये मेरी पोजीशन है। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, पोजीशन अच्छी सी होनी चाहिए, जितनी पोजीशन अच्छी होगी उतनी प्रॉपर तरीके से आप CPR दे सकते हो, ठीक है? अब मैं कंप्रेशन देने जा रहा हूँ, कंप्रेशन देने का तरीका देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 के बाद 1, एक साइकिल खत्म हो गया। उसके बाद 2 वेंटिलेशन, उसके बाद फिर से 2 वेंटिलेशन। फिर नाक को छोड़ दिया, सांस देते समय नाक को पिंच कर देना है, अगर आप फेस शील्ड के साथ या माउथ टू माउथ दे रहे हो तो, ठीक है ना? तो ये फिर से स्टार्ट, फिर से मैंने जल्दी से करना है, अपनी वही पोजीशन बनानी है। दूसरा कंप्रेशन स्टार्ट, दूसरा साइकिल,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
तीसरा साथ इधर से बनाता हूँ फिर पोजीशन, दो तरीके से पोजीशन बना सकते हैं आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 3 तीन साइकिल हो गए, ठीक है। इसी तरह से आपने कितने साइकिल देने हैं, पांच साइकिल देने, कितने साइकिल देने, पांच साइकिल देने, समझ आ गया, ठीक है। जब आप साइकिल्स दे रहे हो, कंप्रेशन दे रहे हो सकता है अगर पेशेंट की किस्मत अच्छी होगी, आप प्रॉपर तरीके से सीपीआर कंप्रेशन दे रहे हो, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन जा रही है, वो इफेक्ट कर गई उसको, तो उसी टाइम वो पेशेंट लाइव हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको वो बताई थी बात कि 13 कंप्रेशन के बाद पेशेंट को होश आ गया था, ठीक है ना, तो उसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने पांच साइकिल देने हैं, पूरे पांच साइकिल देने के बाद फिर भी अगर पेशेंट रिवाइव नहीं होता तो वो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से सीपीआर दिया, वो आके उसका लक होता है, ठीक है ना। मैंने बता दिया ना आपको, कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट बच भी सकता है तो नहीं भी बच सकता है, लेकिन आपने अच्छा काम किया तो आपने उसको पूरा प्रॉपर सीपीआर, जब तक आप प्रॉपर से नहीं देंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपर सीपीआर कंप्रेशन दे देते हो तो उससे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं द चनाब टाइम, मैं आपका मेज़बान खलीक अंजम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जम्मू के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जगह कोट बरवाल की है, और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में आया हूँ। यहाँ पर कुछ नौजवानों को वॉलेंटियरली ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं इनसे बात करूँगा किस तरह की ट्रेनिंग है और कितने दिनों की ट्रेनिंग है। मेरे साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लड़के यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे हम। सर सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। जी मेरा नाम अजमल है। मैं आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से, तहसील हमारी बनहाल पड़ती है। सर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसी ट्रेनिंग है इस हवाले से हमें बताइए। जी सर यहाँ पे जो है फर्स्ट एड, हमें मतलब जो भी इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स हो गए या डिजास्टर कुछ भी होते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो, उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि हम प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट उनको क्या दे सकते हैं। जी जी जी। अजमल साहब मुझे ये बताइए कि क्या ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है ये कितने दिनों की है, और क्या ये ट्रेनिंग हर एक फर्द के लिए ज़रूरी है? जी सर आए रोज़ आप ऐसे भी सुनते रहते हो कि हादसा होते रहते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, तो इस ट्रेनिंग का यही मकसद है कि हम उनको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे सके जब तक हम उनको हॉस्पिटल ले जाए। और इस ट्रेनिंग का भी जो है बहुत ज़्यादा फायदा है, हर मेंबर को चाहिए कि ये ट्रेनिंग कर ले, वो एज अ वॉलेंटियरली हर किसी को चाहिए कि इस ट्रेनिंग का कम से कम हिस्सा बने, वो करे ये ट्रेनिंग कि हम किसी की जान बचा सके किसी भी टाइम इस ट्रेनिंग की वजह से। अजमल साहब मुझे ये बताए, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए, क्या वो लोग ठीक हैं या ये जो लोग ऐसे ही वॉलेंटियरली काम कर ले वो ठीक है? सर ऐसे भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एनजीओज है जो विदाउट कॉस्ट विदाउट पैसा जो भी काम करती है, तो हर चीज़ में पैसा ही नहीं देखना चाहिए किसी की। अगर हेल्प हो जाए किसी पेशेंट के, चाहे हम विक्टिम भी बोल सकते हैं, अगर उसके मुंह से दुआ ही निकलेगी वो ही बहुत ज़्यादा काफ़ी ये समझ लो कि फ़ायदेमंद होती है, कि पैसे हर चीज़ लाइफ में मैटर नहीं करता है। जी जी। तो कितना फ़ायदा में इसमें सुनने में आया है कि आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपको कार्ड इशू होगा, किट होगा, तो क्या लगता है सही है? सर वो तो सही चीज़ है, चाहे सर्टिफिकेट ना भी दे, मैं एज ए वॉलेंटियरली आपको ये बता दूं कि आजकल जो है हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम तो रहती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स ही फेंट हो जाते हैं, चाहे अगर हमें कुछ ट्रेनिंग का पता ना हो तो हम उनको कैसे बचा सकते हैं। इस ट्रेनिंग से मैं अभी तक यही सीखा कि हम उनको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हम उनको घर पे ही दे सकते हैं जब तक हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट के नौजवान आए हैं, सर अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम परवेज अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, तहसील मरम्मत पड़ती है हमारे। तो आपको कैसी लगी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हर एक के लिए ज़रूरी फ़ायदेमंद चीज़ है। कितने दिनों की ट्रेनिंग? ये 12 दिनों की ट्रेनिंग है। 12 दिनों के बाद आप अपने इलाके में जाएंगे, क्या आप ये काम अंजाम देंगे? जी हाँ अंजाम देंगे। आजकल डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जी, हर जगह इसकी जरूरत, हर जगह एक्सीडेंट होते रहते हैं। हर एक शख्स के लिए जरूरी है? जी सर हर एक के लिए जरूरी है। चलो शुक्रिया। और भी कुछ हमारे साथ हैं, अपना नाम बताओ और किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? मेरा नाम इमरान अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ, तहसील मेरी कठुआ है, मैं GDCC कॉलेज में पढ़ता हूँ, NSS वॉलंटियर हूँ। आज कितने दिन हुए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करते? हमें आज 6वां दिन है, तो अभी 6 दिन हमारे बाकी हैं। यहाँ पर किस
के रिलेटेड आपको ज़्यादा पढ़ाया गया? हमें डिजास्टर के रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है कि डिजास्टर क्या है और कहाँ होता है, कैसे होता है और इसको मतलब कि कैसे हैंडल करना है, वो सिखाया जाता है। और भी कुछ है, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ और तहसील नौशहरा। तो हम एडीसी के थ्रू और डीसी के थ्रू यहाँ पे पहुँचे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे उधर के 18 बंदे हैं जो आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए और हम यहाँ से ट्रेन होके अपने मतलब पहले अपनी विलेज से और अपना जो नौशहरा हमारा ब्लॉक है और तहसील है, बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी है, यहाँ पे हम 18 बंदे ट्रेन होके जाएंगे और हमको कहीं पे भी मुसीबत हो या रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं। फ्लड हो या अर्थक्वेक हो या कहीं एक्सीडेंट हो, हम उसके लिए जाएंगे। हमारे पास किट भी होगा तो यहाँ से डिप्लोमा स्कूल और हमारा एक आई कार्ड होगा, हमारी पहचान होगी कि हम 18 बंदे यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे। डिप्लोमा मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा वो कितना फ़ायदेमंद? उससे बहुत फ़ायदा होगा हमारी डिस्ट्रिक्ट को और हमारी तहसील को। हम डिस्ट्रिक्ट और अपनी तहसील के लिए बहुत जो कुछ कर रहे हैं, अपनी तहसील के लिए कर रहे हैं और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं। और हमारा ये हम जम्मू यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है SDRF और NDRF के यहाँ पे आए हैं और 12 दिन के लिए ट्रेनिंग है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपनी तहसील का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। हमारे साथ मुंतजर सर भी मौजूद जो डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा आदाब और सलाम सभी देखने वालों को। देखिए सर, हमारी ये 12 दिन की ट्रेनिंग है यहाँ पर जो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहब हैं उनने भेजा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि हम उन्होंने हमें यहाँ भेजा। एक्चुअली हम एक एनजीओ से, एनजीओ बानियाल वॉलंटियर में हम काम करते हैं पिछले 10-12 सालों से। तो यहाँ आकर हमने बहुत सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं कि चिनाब वैली का एरिया जो हमारा है, रामबन डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आप, डोडा वगैरह, वहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो हम तो 10 साल से काम कर रहे थे लेकिन हमें उतनी चीज़ों का पता नहीं था, हम तो वही देसी हिसाब से कर रहे थे आज तक। लेकिन आज हमें पता चला कि अगर कोई बंदा जिसका एक्सीडेंट होता है उसको कैसे उठाना है, अगर उसको हार्ट अटैक होगा तो उसको हमने CPR कैसे देना है। तो ये चीज़ें हमने बहुत सारी, पूरा डिजास्टर में इसमें इतना ही नहीं बल्कि अर्थक्वेक वगैरह जब आए उस टाइम हमने क्या करना है, फ्लड आए तो हमने अपने आप को कैसे सेफ करना है, लोगों को कैसे बचाना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी है। 12 दिन की ट्रेनिंग है, आज हमें 6 दिन हो गए यहाँ, आगे 6 दिन है। तो हम लोगों से, मतलब जो बाकी यूथ्स हैं एज वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो भी इस ट्रेनिंग को ले और अगर कहीं नहीं तो ये आपको अपने लिए, अपने घर के लिए तो इस्तेमाल, मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि जिंदगी, बिल्कुल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आए दिन आज आप देख सकते हो नौजवानों में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो अगर किसी का हार्ट अटैक होता है तो हम जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाए तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि एक क्रूशल टाइम पीरियड होता है इसका, 5 या 6 मिनट का। अगर हमें CPR के बारे में पता हो तो हम उस बंदे की बचाना तो अल्लाह को है लेकिन हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं और उसको दोबारा, मतलब वो जिंदा रह सकता है। तो हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के जो NDRF SDRF है यहाँ पर फोर्स जो है इधर कोट बलवाल में, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर एक फैसिलिटी हमें अवेलेबल यहाँ पर है, खाना पीना रहने का सब कुछ अवेलेबल है। बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्लास प्रैक्टिकल से कराया जा रहा है, बाकी हमारे आउटिंग पे हमारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे कि अगर कहीं पे कोई बंदा डूब जाता है तो उसको कैसे निकाले, अगर कोई डेड बॉडी को चढ़ाना है बिल्डिंग से उतारना है तो वो कैसे हम करें, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम अगले 6 दिनों में सीखेंगे। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार एक बार में सबका, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या क्या कहते हैं जो NDRF SDRF है जो यहाँ पर हमको सिखा रहे हैं, उन सबका हम शुक्रगुजार है कि हमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई जो हमारे डेली, मतलब हम तो देखते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया या किसी का हार्ट अटैक हो गया या किसी वजह से सफोकेशन की वजह से आग लग गई तो हमने वहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ें हम देखते थे लेकिन हमें पता नहीं था परफेक्ट उसका तरीका क्या था। तो यहाँ अगर हमने इन 6 दिनों में और इंशाल्लाह अगले 6 दिनों में ये हम सब कुछ सीखेंगे तो जो हमारे मान लो डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज़ होंगी। शुक्रिया। ये थे मुंतजर सर, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन से, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि ये जो SDRF की ट्रेनिंग है, वॉलेंटियर ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी है और जितने भी मतलब घर में हादसात होते हैं ये वहाँ पर ज़रूर काम आएंगे। आप देखते रहिए द चनाब टाइम, अपने मेज़बान खाली कंजम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।